हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, और इस चैप्टर का जो पहला वर्कशीट है वो हम लोग सॉल्व कर लिए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। कंप्लीट द फॉलोविंग, ओके, क्या हम लोगों को कहा गया है, कंप्लीट द फॉलोविंग। तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये अपना इक्वल टू साइन है, हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे ना कि ये जो इक्वल टू साइन है, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू। ओके, तो ये जो सिंबल है इसका क्या नाम है, इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस सिंबल के लेफ्ट साइड, ओके, जो भी नंबर्स होंगे वो सेम नंबर्स होने चाहिए सिंबल के राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, यानी कि इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, ए नंबर पे 2.3 प्लस 5.9, ओके, ये किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू साइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड भी सेम नंबर होने चाहिए, तभी ये जाकर के अपना इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आप बताइए, 2.3 देखिए लेफ्ट साइड है और राइट साइड भी है अपना। ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमको यहाँ पर बॉक्स में क्या पुट करना पड़ेगा, 5.9। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स हैं वही नंबर्स राइट हैंड साइड भी हो जाएंगी। तो इस तरह से ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग आगे भी फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे बी नंबर पे हम देख पा रहे हैं ये अपना इक्वल टू साइन है। हाँ, अब इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है, 18.69, तो इक्वल टू साइन के राइट साइड भी ये डिजिट होना, ये नंबर होना चाहिए। ओके, है क्या, नहीं है, तो 18.69 लेफ्ट साइड है, राइट साइड भी होना चाहिए, नहीं है, तो आप यहाँ पे 18.69 पुट कीजिए। ओके, अब राइट साइड इक्वल टू साइन के राइट साइड हम क्या देख पा रहे हैं ना, 4.35 है, तो क्या आपका लेफ्ट साइड है 4.35, नहीं है, मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे ना, 4.35 यहाँ पे रखेंगे बॉक्स के अंदर। तो अब देखिए ये जो इक्वल टू साइन है अपना, हाँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर्स है वही नंबर्स हमारे राइट हैंड साइड भी होगी। ओके, आने की राइट साइड, तो इस तरह से ये क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ भी आगे देखेंगे। देखिए ये अपना इक्वल टू साइन है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं ना कि 9.8 प्लस 16.21 प्लस 8.36 ये सब नंबर्स है इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड देखिए यही नंबर्स है, इसमें से एक नंबर मेरा मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पे मिसिंग है अपना 9.8, तो 9.8 को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए बॉक्स के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा अपना, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए डी, डी नंबर पे क्या है, 0 प्लस 9.105। ओके, तो आप यह ध्यान रखिए कि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, यानी वो नंबर वही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 9.105। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई नंबर में, यहाँ देखिए 15.05 है और प्लस हमको कोई नंबर ऐड करना है, कौन सा नंबर ऐड करें ताकि हमको 15.05 मिल जाए। ओके, तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे हमको जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। एफ नंबर देखिए सेम हो गया 17.8, इसमें अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17.8, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए जी नंबर हमारे पास क्या है, जी नंबर में ये इक्वल टू साइन है, अब देखिए। ओके, अब इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड जो भी नंबर्स हैं सेम नंबर्स होने चाहिए राइट साइड। ओके, तो राइट साइड हम देख रहे हैं 4.11 है, यहाँ पे है 4.11, जी है। ओके, तो ये तो मैच कर गया, अब ये दोनों नंबर मेरा मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों नंबर को यहाँ पे पुट कर लेंगे और बीच में अपना यहाँ पे क्या रहेगा ना, प्लस का सिंबल रहेगा, तो एक बॉक्स में हम पुट कर लेंगे 08.06 और दूसरे ही बॉक्स में पुट करेंगे 3.1। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया ना, इक्वल हो गया।
अब देखिए यहाँ पर भी ये इक्वल टू साइन है, और इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड है 3.81, राइट साइड है ये नंबर नहीं है, ये नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर हमको क्या पुट करना चाहिए, 3.81। अब ये राइट साइड अपना है 15.2, लेफ्ट साइड है ये नंबर नहीं है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 15.2। ओके, तो अब देखिए ना ये इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड जो नंबर्स है वही नंबर्स हमारे राइट साइड भी हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ओके, तो बहुत ही आसान था है ना वर्कशीट टू सॉल्व करना, और हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।